क्या लगा तुम्हें आयशा? मुझे पता नहीं चलेगा। तुमने पहले अपने नकली भाई से मिलवाया, फिर अपने नकली बाप से मिलवाया, पूरे टाइम तुम मेरा यूज करती रही। वो तो अच्छा है मुझे पता चल गया कि वो बच्चा जो तुम्हारे पेट में है वो मेरा नहीं अमित का है। What? ये सब हो जाने के बावजूद भी तुम उसको डिफेंड कर रहे हो। कम ऑन यार आयशा, अमित ने तुमको ठुकराया, तुम्हारे बच्चे को ठुकराया, और उसके बावजूद भी तुम उसी की तरफदारी कर रही हो। दिस इज इनफ, बहुत हो चुका है आयशा। मुझे मत रोको तुम। और मैं तुम्हारे डैड को फोन करके सब सच बता रहा हूँ। देखो ऐसा मत को, प्लीज रुक जाओ। तुम्हारे असली बाप को फोन कर रहा हूँ मैं आज। प्लीज प्लीज आयशा, आयशा स्टॉप। आयशा मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए यही सही है अभी। जस्ट लीव इट। देखो प्लीज प्लीज। नहीं आयशा प्लीज, प्लीज प्लीज। सर आप आयशा के डैड बोल रहे हैं? सर मैं उसका बॉयफ्रेंड बोल रहा हूँ सुमित। सर आप प्लीज यहाँ पर जल्दी से आ जाइए। आयशा इज डन समथिंग रियली बैड, प्लीज आप मुंबई आ जाइए प्लीज। आयशा क्या कर रही हो तुम? तुमको समझ में नहीं आता? दर्द मुझे भी हुआ है, तुमने मेरे साथ जो किया बिल्कुल गलत किया। तुम हमेशा ये बोलते रहे कि तुम मुझसे प्यार करती हो, जबकि असलियत में तुम मेरा यूज कर रही थी। तुम्हें कोई ऐसा पैसे वाला चाहिए था जो तुम्हारी और इस बच्चे का ध्यान रख सके। तुमने मेरे साथ जो किया है ना आयशा, उसके बाद मैं शायद तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता था, लेकिन मुझे लगा कि मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए, और ये तुम्हारी आखिरी मदद थी। इसके बाद ना मैं तुम्हारी शक्ल देखना चाहता हूं, ना तुम्हारी आवाज सुनना चाहता हूं। लिव इट, जस्ट लिव इट।